नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी के पुत्र मोह के कारण कांग्रेस की यह हालत हुई है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो खाका तैयार किया जा रहा है वह पीएम मोदी के अभियान का ही हिस्सा है। मंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद कलेक्टरों को मिले नोटिस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कोशिश होती है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उसके लिए बार बार कहा भी जाता रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। निर्भर मध्य प्रदेश का जो कंसेप्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का है उसी का हिस्सा है, और इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से मतलब ये है कि हम अनेक योजनाओं में कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं, हमारे अपने स्वयं के जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं जिससे कि हमारे विकास को और मजबूती मिले। अनेक चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम अपने राज्य में निर्माण कर सकते हैं, अनेक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका राज्य में हम जिनसे आय बढ़ा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना है और उसका प्रेजेंटेशन होगा और सभी विभाग उसके आधार पर आगे काम करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री में अध्यक्ष बनाएगी, ये सोचना चाहिए। बेरोजगारी पे जो लोग लगातार बढ़ रहा है उसके विषय में सोचना चाहिए, सड़कें तो अभी बात की बात। देखिए कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या विकास से रोजगार नहीं जुड़ा? अगर विकास नहीं होगा तो रोजगार कैसे होगा? अगर 10,000 करोड़ के मार्ग बनेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता क्या? और इसलिए कांग्रेस बिना किसी कारण के सिर्फ विरोध भी भारतीय जनता पार्टी का करना है, और वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहा है, वो मध्य प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का विकास इन्होंने 1.25 साल पूरी तरह से रोक के रखा था, अब मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है। जहाँ तक युवाओं की नौकरी का सवाल है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को ही मध्य प्रदेश में रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और इसको लेकर सरकार नीति बना रही है। और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी नौकरियाँ आएंगी उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को ही अवसर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।